नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आपने तो अंडा भुर्जी ज़रूर ही खाया होगा, तो आज हम अंडा भुर्जी नहीं बनाएंगे, आज हम बनाएंगे फुल गोभी भुर्जी। तो चलिए देखते हैं कि मैं फुल गोभी भुर्जी कैसे बनाती हूँ। पहले मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल जो है वो थोड़ा गर्म कर लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 सूखी लाल मिर्च ऐड किया। उसके बाद हमें ये थोड़ा भून के, उसके बाद हम यहाँ पर चॉप्ड किया हुआ ऑनियन, मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्याज लिया है और उसके साथ मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरे मिर्च चॉप्ड किए हुए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा, आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर हरी मिर्च ऐड करने हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर फुल गोभी को बारीक कट कर लिया है, बहुत ही बारीक कट करना है। और उसके साथ मैंने मटर के दाने, ये उबले हुए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कच्चा है। 1 से 2 मिनट जब हम प्याज भून लेंगे उसके बाद हम ये फुल गोभी और मटर के दाने इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके हमें थोड़े अच्छे से भूनना होगा, करीबन 3 मिनट के लिए अच्छे से हम इसे भून लेंगे। बिना कोई मसाले दिया हुआ इसे हमें 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ये 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद हम मसाले जो है इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाला हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, बहुत ही कम मसाले में हम यहाँ पर इस भुर्जी को बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है और नमक ऐड किया है स्वाद अनुसार। फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, हमको थोड़ा सा भूनना है। दो से तीन मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर करीबन 1/2 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा चीनी ऐड करना है। अब इसे हम 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे जिससे कि ये जो सब्जी है इसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए और ये बिल्कुल अच्छे से पक जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, इसे हम अब अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से हमें फ्राई करना होगा। जैसे ये अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें थोड़े धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने बारीक कट किया हुआ नहीं है धनिया पत्ती, यहाँ पर मैंने रफली चॉप्ड किया हुआ है धनिया पत्ती को। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आऊंगी आपके साथ शेयर करने के लिए। तब तक के लिए नमस्ते।